राज्य गठन होते हुए 19 साल होने को है। 2011 और 2016 दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है। दोनों बार में विशेष शिक्षकों के लिए जगह था, लेकिन इस बार झारखंड टेट में शायद, जो कि ऊपरी बातें आ रही है कि इसमें विशेष शिक्षक को जगह नहीं दिया जाएगा, इसलिए इतने दिनों से जो विशेष शिक्षक यहाँ जो प्रशिक्षक हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग किया हुआ है, उनका भविष्य क्या होगा, ये झारखंड सरकार को सोचना होगा और हमारी मांगों को मानना होगा। हम लोग जो इतने दिनों से इसको मान्यता दी गई है, अब क्यों हटाया जा रहा है? उसके बाद भी अगर हटाया जा रहा है तो विशेष शिक्षक की बहाली क्यों नहीं की जा रही है? 18 साल होते हुए भी ये अति पिछड़ा राज्य, अति पिछड़ा झारखंड राज्य, जिसमें बहुविकलांग बहुत सारे बच्चे हैं, जिसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है, उसकी पहचान कौन करेगा? क्या सामान्य शिक्षक इसकी पहचान कर सकते हैं? क्या सामान्य शिक्षक उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं? इस पर दिशा निर्देश हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देना चाहिए। धन्यवाद।